नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तब रुक करते हैं खबरों का। खबर दिल्ली से। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय दिल्ली में प्रेसवार्ता की गई। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी, ओबीसी विभाग के प्रभारी, दिल्ली छावनी से पार्षद रहे, विधानसभा प्रत्याशी रहे संदीप तंवर आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। राजेंद्र नगर से ये ताल्लुक रखते हैं, जहां उपचुनाव है वहां ये आम आदमी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमारे केनू संवाददाता से यूपी बजट पर बात की, क्या कुछ का आपको दिखाते हैं। 3% बजट रख के ये साबित किया है योगी जी ने कि उनको उत्तर प्रदेश की शिक्षा की बदहाली को दूर नहीं करना, स्वास्थ्य की बदहाली दूर नहीं करना, फ्री बिजली पे झूठ बोलना है, और इसी के कारण एक ऐसा बजट लाया गया है जो मूलभूत जरूरतों को पूरा करता हुआ नहीं दिखता। हर इंसान को, किसी भी जाति धर्म का हो, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। उस पर केजरीवाल जी की सरकार काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार 22% शिक्षा का बजट रखती है और यूपी में 3%, तो अंदाजा लगा लीजिए क्या। आपने जैसे बताया कि आम आदमी पार्टी से भाग रही है बीजेपी। हाँ, भाग रही है, क्योंकि आज अभी खबर मैंने देखा कि ना बग्गा लड़ने को तैयार है ना आदेश गुप्ता। खबर दिल्ली से। पीएफआई द्वारा वीर सावरकर को देश का गद्दार कहा जाना अति निंदनीय है। पीएफआई जैसे आतंकी संगठन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की पीएफआई की मिलीभगत की जांच कराए केंद्र की मोदी सरकार। कि केंद्र सरकार पीएफआई को सिमी के तर्ज पे, अन्य आतंकी संगठनों के तर्ज पे, जिस प्रकार से पीएफआई, जिसका पूरा नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा वीर सावरकर, जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना अति निंदनीय है। वीर सावरकर को गद्दार जैसे शब्द बोलना, ये देश विरोधी भावना है पीएफआई का। यह हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अनेक कांग्रेस नेता वीर सावरकर के खिलाफ जो टिप्पणी करते हैं, उसी का और उन्हीं के इशारों पे, कांग्रेस के इशारे पे, राहुल गांधी जी के इशारे पे पीएफआई काम कर रही है और वीर सावरकर को अपमानजनक शब्द का प्रयोग कर रही है आज उनके जयंती के अवसर पर।